राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत बुधवार को एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला और संभागीय परिवहन अधिकारियों के संयुक्त तत्वधान में ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से फल मंडी तक पैदल भ्रमण कर रहे अपने प्रतिष्ठानों के सामने खड़ी किए गए अवैध तरीके से वाहनों को लेकर संबंधित प्रतिष्ठानों के मालिकों को चेतावनी दी गई और साथ ही शीतलहर को देखते हुए बसों पर रेट्रो रिफ्लेक्टर लगाया गया। इस दौरान वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के कागजात चेक किए गए, साथ ही नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों के चालान भी काटे गए। इस दौरान आरटीओ परिवर्तन प्रथम दल एसपी श्रीवास्तव और यात्री कर अधिकारी इरशाद अली मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने कहा, ये सब जो है कि जैसे कि कस्टमर का हक जो है पहलू में आप गाड़ी को बेचने के लिए यहाँ पे करते हैं तो ये सरकार की जगह है ना भाई, पूरा ठेका लिया खड़ा कराइए, क्यों जगह पे आज जमा कराए हुए जगह का भी ठिकाना नहीं कि कब तक आप खड़ी किए रहो,
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत ट्रैफिक विभाग और परिवहन विभाग के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कोहरे को देखते हुए जिन वाहनों में रिफ्लेक्टर नहीं लगा हुआ है, जिनमें चालकों के पास डीएल या कंडक्टर के पास डीएल लाइसेंस नहीं है, उसी को देखा जा रहा है। अब सुनिश्चित कराया जा रहा है कि एक्सीडेंट को रोकने के लिए प्रभावी रूप से वाहनों में रिफ्लेक्टर लगे हों और जो वाहन चला रहे हैं उनके पास वैध डीएल हो, इसी संबंध में ये कार्रवाई की जा रही है। हाँ, चालान किए जा रहे हैं, जो कमी पाई जा रही है उस संबंध में चालान भी किए जा रहे हैं।